सबसे गजब कौन सी चीज? रांची पुलिस, रांची पुलिस। जी, पुलिस के सम्मान में भी यही नारा लगाना पड़ेगा। पुलिस चाहे जो करे, अंधे आशिक की तरह भरोसा जताना पड़ेगा। नारा तो दिया था पुलिस प्रशासन आपके द्वार, पर लगता है टेक्नोलॉजी की गड़बड़ी से यह नारा मिसकोड हो गया। पुलिस ने नारा सुना, लेकिन जनता की जगह अपराधियों के द्वार पहुंच गई। कहा था आओ हाथ मिलाएं, अपराध को जड़ से मिटाएं। हाथ जनता से मिलाना था, लेकिन अपराधियों से मिलाया। आप सोचेंगे इतनी भूमिका क्यों? रांची पुलिस ने ऐसा भी क्या गजब कर दिया? चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और बता ही देते हैं। दरअसल रांची पुलिस के कई जवान बीती रात जुआ खेलते धरा गए हैं। रांची पुलिस के ये जांबाज जवान केवल जुआ खेल ही नहीं रहे थे, बल्कि खिलवा भी रहे थे। और जुआ भी ऐसा झूठी मुट्ठी का नहीं, बल्कि सच का, पैसा वाला। पुलिस ने जुआ खेलते पुलिस पर छापा मारा तो 5 लाख रुपए मिले। चलिए इससे यह तो साबित हो गया कि झारखंड में उतनी गरीबी भी नहीं है जितनी की हवा बनाते हैं। मतलब कहा तो जा ही सकता है हमारी पुलिस लाखों में खेलती है। कहा जाता है अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं। लगता है पुलिस के जवानों ने इस कहावत को थोड़ी ज्यादा ही गंभीरता से अपना लिया। सोचा कहावत में थोड़ा बदलाव करो तो और भी फायदा होगा। हम न तो अपराधी से घृणा करेंगे और ना ही अपराध से। तो जुआरियों के साथ मिलकर पत्ते बांटने लगे। सोचा होगा कि अपराधियों का इससे मनोबल भी टूटेगा। जुआरी सोचेंगे जब पुलिस वाले भी जुआ खेलने लगे तो इस फील्ड में हमारे लिए क्या खास रहा। जुआ छोड़ो, कुछ दूसरा धंधा पकड़ो। पुलिस प्रशासन अब हमारा सखा है। छोड़ो, जाने दो, अपराध में क्या रखा है। मतलब हमारी तो कोशिश यही है कि हम पॉजिटिव बने रहें। कोरोना खत्म हो चुका है तो हर बात पर पॉजिटिव होने में खतरा भी नहीं। वैसे हमें लगता है कि आलाकमान से क्राइम कंट्रोल के सख्त निर्देश मिलने के बाद पुलिसकर्मी आजकल क्राइम शो भी खूब देख रहे हैं। क्राइम शो में बताते हैं कि हमें अपराधी को पकड़ना हो तो उनकी तरह सोचना होगा। अब झारखंड के पुलिस वाले एक कदम आगे निकले। सोचा कि अपराधी को पकड़ने के लिए यदि उनकी तरह सोचने से फायदा हो सकता है तो उनकी तरह करने से कितना फायदा होगा। हाँ, यही सोचा होगा तभी तो पुलिसकर्मी जुआरियों के साथ बैठकर जुआ ही खेलने लगे। शायद समझना चाहते हों कि जुआरियों की मानसिकता कैसी होती है, जुआ कैसे खेला जाता है, कौन कौन सा जुआ खेला जाता है, कैसे कैसे खेला जाता है। जाहिर है यह तो जुआ खेलने से ही पता चलेगा, सोचने से क्या मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है? दरअसल शनिवार देर रात रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा को किसी ने बताया कि गोंदा थाना क्षेत्र के एक किराए के मकान में जुआ चल रहा है। खुद पुलिसकर्मी जुआ खेल और खिलवा रहे हैं, खूब रंग जमा है। सूचना मिलते ही SSP ने गोंदा थाने को इत्तला कर दिया। गोंदा थाने की विशेष शाखा की टीम ने सूचना की पुष्टि की और छापा मारा। सूचना सही थी, वहां पुलिस विभाग के स्टार गैम्बलर बैठे थे, पत्ते बांट रहे थे, दांव लग रहे थे, बाजी पलटी जा रही थी। विशेष शाखा की टीम ने रंगे हाथ धर लिया तो पुलिस कर्मियों के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस सबको गोंदा थाना लेकर आई और फिलहाल वहीं सबसे पूछताछ चल रही है। इधर मामले में BJP प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। घटना का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी दावा किया कि जुआ खेलते धराए पुलिसकर्मियों में से कुछ मुख्यमंत्री आवास में भी तैनात थे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हुक्मरान ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो प्रशासन को क्या कोसना। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कितने पुलिसकर्मियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा गया, उनके खिलाफ पुलिस को क्या क्या सबूत मिले हैं, पूछताछ में क्या खुलासे हुए, इसका पता चलना भी बाकी है। जब पूरी डिटेल सामने आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वैसे जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। The followup.in, like, share, and subscribe.